तो हम लोग उसी कल रात को शिशनाड़ को आ गए। तो अभी हम लोग शिशनाड़ में हैं। तो हम लोगों ने खाना पता कितने बजे खाया? रात को 1 बजे खाना खाया है हम लोगों ने। तो आपको दिखाती हूँ कि शिशनाड़ कैसा है। तो इधर एक मंदिर है, उधर आगे यहाँ पर बहुत धूप है। इधर कल रात को बारिश गिरी थी, कल रात से लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, अभी लाइट आई है। इधर ना स्कूल भी है, देखो ऐसा। तो इधर हम लोग अभी सामने जा रहे हैं। तो इधर एक मंदिर है, चल ऐसा चटका लग रहा है भाई बहुत। चप्पल निकाल आ रही हूँ। सो एक गदगी है, एक पेड़ है, नीम का पेड़ है। शरीफा का मूर्ति है। आप इनके गुरु, आप इनके गुरु श्री गुरु गोविंद भट्ट और बसवाना की मूर्ति है। अरे जो पीछे गदगी देख रहे हैं, इनके पिताश्री का है। शिशा शरीफा के पिताश्री का गदगी है पीछे यहाँ पे। और ये नीम का पेड़ उन्होंने ही लगाया हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा है। अब हम उधर सामने के मंदिर में जा रहे हैं। अल्लाह बहुत चटका लग रहा है, बहुत धूप है। तो ऐसा कुछ ये मंदिर है। स्टोरी बोल। यहाँ पर देवी ने शरी साहब को अपना नाक का सोने का नथनी दिया हुआ था। हनुमान जी प्रसन्न हुए थे शरीफ साहब को। और ये शरीफ साहब को जाओ और महादेव के आशीर्वाद प्राप्त हुए थे यहाँ पे। वो अभी गदगी देखी ना, वो सेम यही है, नीम का पेड़। वहाँ पर बैठ के साधना किया करते थे। तो इतना बड़ा कुछ मंदिर है। ये जो है ये अप्रतिम महिमा है शरीफ साहब की। जब गांव में अंधेरा हुआ था तो शरीफ साहब ने कहा कि मैं उजाला कर देता हूँ यहाँ पे। तो शरीफ साहब को उनके गुरुदेव और माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब उन्होंने जो अमौस का जो चांद था उसे पूनम का चांद बना दिया। जो चांद दिख रहा था वो पूनम का चांद होगा। वो चांद की वजह से पूरे गाँव में उजाला होता है। सो अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये
सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से घर जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ आके 5 दिन हो गए हैं, तो आज हम लोग घर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। और एक चीज दिखानी है मेरी वही ने ना, कपड़े देखिए किस में रखा है। क्या ये देखिए, ये सूटकेस है, वही खोलो। तो सूटकेस के अंदर सब बर्तन रखा हुआ है, और ये कुकर है ना, कुकर के अंदर देखिए कपड़े रखे हुए है। ये मेरी वहिनी का जुगाड़ है। ये सब उधर बर्तन रखे हुए है उसमें। अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, अभी हम लोगों ने पैकिंग कर ली है। तो ये देखिए, इस कार से हम लोग आए हैं। तो अभी फिर से शिशनार में पैर पड़ के हम लोग निकल जाएंगे। हम लोगों ने लाई है इनोवा कार, मतलब टोयोटा। तो फुल पैकिंग कर ली है, तो अब लोग हम लोग निकल रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये कार हम लोगों ने लाई थी, ये फुल 7 सीटर है, पर हम लोग आए हैं 8 सीटर। पैकिंग किया, और हम फिर से उधर पैर पड़ने को जाएंगे। सो अभी एंटर हो गए हैं। आज अलग चादर चढ़ाई है, रोज गदगी पर अलग अलग चादर चढ़ाते हैं। अभी हम लोग गिरमिट खाने को आए हैं, मेरी पूरी फैमिली। तो ये देखिए, हाय, अरे हाय, कर्नाटका स्पेशल गिरमिट। सो हे गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं, तो मेरी दीदी ने ऑर्डर किया है फिश थाली, तो मैं और मेरे पापा ने की है चिकन थाली, और मेरे बाकी फैमिली ने की है मटन थाली। तो ये देखिए, दीदी का ऑर्डर आ गया है। देखिए मेरी दीदी की फिश थाली, दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद है फिश। मेरी और मेरे पापा की भी थाली आ गई है, तो ये देखिए। अभी हम लोग का खाना हो गया है, तो हम अभी कोल्हापुर में थे मंथन होटल में। तो अभी हम लोग फिर से घर जा रहे हैं, मतलब कल्याण। तो चलिए मेरे साथ। सो हे गाइस, अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, मतलब अभी बज रहा है रात के 3। आपको कैसा लगा व्लॉग बताना ना क्या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।